नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। शाहजहां और मुमताज की निशानी ताजमहल के नाम से जाने जाने वाली ताज नगरी आज बूंद बूंद पानी को तरस रही है। यहां पानी के लिए लोग खून खराबा करने पर आमादा हैं। ना जाने कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग घायल हुए हैं, बावजूद इसके पानी आज तक नहीं मिला। ताज नगरी आगरा के टेढ़ी बागिया इलाके में हम आपको लिए चलते हैं, जहां पानी की एक विकराल समस्या है। ना पीने को पानी है और ना नहाने को पानी है और ना ही खाने को पानी है। और तो और लोग कहते हैं कि अधिकारियों की आंखों में भी पानी नहीं है, तो फिर ताज नगरी में पानी कहां से आएगा? की समस्या है आपके क्षेत्र में? पानी की समस्या है। पानी है को ना 30 रुपया को, 40 रुपया को। हाँ, सड़क पे तो पानी ढूंढो के ले जाना पड़ता हमें। नेता लोग सुनाई नहीं करते। नेता लोगों ने की आंख में पानी है तो वहाँ का पानी कहाँ से लाएंगे? सरकारी यहाँ में पानी ना, तो हमारे लोग हमें कितनी दुखित है पानी के तरफ। कभी टैंकर वाले आए तो पुलिस वाले परेशान करे हमें, जाम लगा देते हैं। तो हाँ, मुकदमा पानी नहीं हमें भरा जाता, पुलिस वाले परेशान करते हैं। टैंकर वाले दूध चाचा दिन हड़ताल करते तो पानी की कितनी दिक्कत आती है। खाना खाना बनावे के लिए हमें पानी की लड़ाई हो जाती। पानी के पीछे लड़ाई हो जाता है, डंडा मार हो जाते हैं। झाठिया डंडा मार हो जाती है पानी के पीछे। मौती भी आ जाती है हमें बीच बीच से। हमें कितनी पर दिक्कत आई है, 2-3 मौती भी आ गई है पानी के पीछे। आपको बता दें कि बात 15 से 20 साल पुरानी है। बसपा, सपा और भाजपा सत्ता का परिवर्तन होता रहा। नेता, विधायक और सांसद के चेहरे बदलते रहे। चुनावों के टाइम पर नेताजी क्षेत्र में आए, पेयजल संकट दूर करने का भरोसा दिलाया और वोट मांगकर वादे से मुकर गए। 15 साल के इतिहास में यहाँ एक बूंद पानी नहीं आया। जलकल विभाग से लेकर नगर निगम और हर एक जनप्रतिनिधि क्षेत्र की पेयजल समस्या से अच्छी तरह से वाकिफ है, मगर फिर भी यहाँ के लोग जहाँ बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो विभागीय अधिकारी और नेतागण चैन की नींद सो रहे हैं। लोग बताते हैं कि एक बाल्टी पानी के लिए उन्हें कितना रुपया खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर उनका गुजारा हो पाता है। सब माए में तो नाली खंजे के पीछे ज्यादा समस्या बेकार हो रही है। हाँ, लड़ाई झगड़े होते हैं। पानी की तो जो ज्यादा हमें पानी नहीं मिल रहा है और पानी के पीछे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं। वो है जो ऐसे काम ज्यादा है, बस पानी के पीछे ज्यादा समस्या वो है। हाँ, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। 2-3 दिन आ जाते हैं और 40-45 का रोज पानी भरवाना पड़ता है हमें, और वो भी खत्म है। रोज भरा तो इतने पैसे कहाँ से लाए रोज रोज, ये बताओ। हाँ, सवेरे उठ कर भगवान को नाम लेते, पानी की समस्या होती है। सवेरे उठ कर नहीं है कि जा काम के लिए पानी चाहिए, वह काम के लिए पानी चाहिए, सब चीज़ के लिए। गर्मी में तो और ज़्यादा समस्या पानी की वो है। पानी मिलने नहीं तो कहाँ से वो नहावा धोई कर कपड़े लत्ता और खाने पीने की वो हो जाती है। हाँ, बच्चों को स्कूल भेजना और कंपनी आते हैं। हाँ, बस यही है। एतमाद दौला के टेढ़ी बगिया इलाके में रहने वाले लोगों को ना खाने की चिंता है, ना पहनने की चिंता है, बस चिंता हर वक्त है तो पानी की। सुबह उठते ही लोग खाली बर्तन लेकर सड़क पर पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं और घंटों इंतजार के बाद जब पानी का टैंकर आता है तो खाली बर्तनों से मारामारी शुरू हो जाती है और कोई 2 बाल्टी, कोई 4 बाल्टी पानी पैसे देकर ले जाता है। ना यहाँ वाटर की सप्लाई के लिए पाइपलाइन डाली गई, ना यहाँ समरसेबल हैंडपंप लगाए गए और ना ही यहाँ पेयजल समस्या निराकरण के लिए कोई ठोस काम हुए हैं। पानी और दिन भर गुजारे के लिए लोग सुबह से शाम तक लड़ते रहते हैं। जब घर का मुखिया नौकरी पर जाता है तो पानी की लड़ाई की जिम्मेदारी बच्चे और उनकी पत्नी निभाती हैं। नाम बता। मेरा नाम बेबी है। आप किस क्षेत्र में? मैं नंगला किशनलाल से हूँ। अच्छा, इस क्षेत्र में पानी की
इस क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा समस्या है। लोग भजन कीर्तन करते हैं, हम पानी का पानी टैंकर का इंतजार करते हैं सुबह, हमारे यहाँ पे पानी भी नहीं है, नाली खरंजा गंदी रहते हैं, पानी भी नहीं निकलता है और पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। टैंकर भी नहीं आता कभी कभी, तो दो दो तीन तीन दिन हो जाते हैं। टैंकर वाले हड़ताल कर जाते हैं, आप लोग जाम लगा देते हैं, किस तरह की और समस्या आती है? पुलिस परेशान करती है और लोगों को भगाती है, समस्या तो सुनती नहीं है, बिल्कुल भी समस्या सुनती नहीं है। बहुत ही ज्यादा परेशानी है और टैंकर वाले भी आते हैं तो वो भी बहुत महंगा देते हैं, एक बाल्टी 5-5 रुपए में भरते हैं। अभी गर्मियों की स्टार्ट है तो 5 रुपए का बाल्टी दे रहे हैं, जब गर्मियाँ ज्यादा पड़ती है तो कितने रुपए? अरे बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत एक पानी पीने का ही कम से कम 20-30 रुपए से कम नहीं भर पाते आता है। 20-25 को तो पानी वो 40 टैंकर 30-30 रुपए का टैंकर भर के देते हैं। लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं खून के पीछे, पानी के पीछे, और नाली देखो कितनी भरी पड़ी है, कोई कर्मचारी भी नहीं आता, बहुत शिकायत करी है लेकिन कोई भी नहीं सुनता है। हमारे ही गए पानी के लिए लड़ाई लड़ना अब हर रोज की परंपरा बन गई है। यहाँ के लोग रोज उठते हैं खाली बर्तन लेकर, सड़क पर घंटों इंतजार करते हैं और जैसे ही पानी का टैंकर आता है तो पड़ोसी से लेकर अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना शुरू कर देते हैं और पैसे देकर अपने घर के गुजारे के लिए पानी भी लेते हैं। किस तरह की समस्या है? पानी की तो बहुत विकराल समस्या है, पानी नहीं आता है और ये महंगा पानी खरीदना पड़ता है, हम पानी जाएगा या नेता और अधिकारियों की आंखों में पानी नहीं तो इस क्षेत्र में पानी वो क्या देंगे। पानी की समस्या को लेकर कई बार रोड पर जाम भी किए गए लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, पुलिस जो है मारपीट करती है, मुकदमे लिख देती है और पानी के पीछे यहाँ कई बार झगड़े भी हुए हैं, यहाँ तक हुए नाराज में जो एक बंदा मारा भी गया था 2-3 साल पहले। तो पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ कई बार शिकायतें हुई, धरने प्रदर्शन हुए लेकिन नतीजा सफल है। पानी को लेकर आपने कभी किसी अधिकारी से शिकायत की? अधिकारी क्षेत्रीय जनता जो रोड पर पहुंची है वहाँ लोग आए, अधिकारी तक आए, पानी की समस्या का आश्वासन दे जाते हैं, विधायक तक आए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। इन हालातों को देखकर ये लगता है कि यहाँ पानी की कमी नहीं है बल्कि अधिकारी और नेताओं की आंखों में पानी की कमी है। अगर नेताओं और अधिकारियों की आंखों में पानी होता तो शायद इन लोगों को पीने के लिए पानी जरूर होता। सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक यह लोग नेताओं के हाथों ठगे जाएंगे, वोट देते रहेंगे और पानी को तरसते रहेंगे और विभागीय अधिकारी अपने वादों से मुकरते रहेंगे। पानी की समस्या तो पड़ेगी, अब क्या किया जाए? और टंकी आती है गली, पहली बात तो पूरी तरह से टंकी नहीं आ पाई है और गली गली में थोड़ी बहुत एक आध जगह आ रही है तो लोग पानी के लिए परेशान है, प्राइवेट टैंकरों से पानी भरना पड़ता है ना पैसे दे के, गरीब लोग हैं टैंकरों से पानी भर के पूर्ति करनी पड़ती है। 3 रुपये बाल्टी ली जाती है यहाँ पे, हाँ ड्रम भरा जाता है 30 या 35 रुपये का। नहीं आए अभी तक नहीं आए, वैसे जब इलेक्शन टाइम, जब इलेक्शन खत्म होता है ना, जब दिखती है कि इलेक्शन शुरू होने वाला है और हम लोग जीतेंगे तब बस समस्या पूछने के लिए आ जाते हैं, नहीं 5 साल के अंदर कोई नहीं आता, लास्ट में आते हैं जब इलेक्शन होते हैं तब, बस अपने 2-4 भाषण दिए फिर चले गए। अब नाराज में कांड हुआ तो उन्हीं संग्रह पानी के पीछे वैसे ही है, पब्लिक परेशान होगी तो क्या किया जाएगा, परेशान तो होगी होगी, अब जनता जब नहीं मिलेगा कुछ तो रोडों पर तो वैसी उतरेगी, हंगामा वैसी करेगी वो।